नमस्कार दोस्तों, डीके थ्रीडीएम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो आज के वीडियो में हम 25 फीट बाय 40 फीट का एक हाउस प्लान देखने वाले हैं, जिसमें जो है नीचे जो है तीन शॉप है। तो दो ऑप्शन देखने वाले हैं, मतलब दो अलग अलग प्लान देखने वाले हैं 25 फीट बाय 40 फीट में, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में। काफी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है, बहुत ही शॉर्ट में आपको इस वीडियो में समझने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड का प्लान देखेंगे तो आप देख सकते हैं 25 फीट बाय 40 फीट का जो है हमारा प्लॉट का साइज है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो इस रोड से हम एंट्री करेंगे। देखिए नॉर्थ साइड में हमारा रोड होगा। अगर आपका रोड किसी भी साइड में रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो शॉप है इसी टाइप में आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मेन गेट रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शॉप बताया गया है और उसके बाद में यहाँ पर भी एक शॉप बताया गया है और यहाँ पर भी एक शॉप बताया गया है। 19.5 फीट बाय 10 फीट का ये जो है हमारे तीन शॉप है। इस साइड में 4 फीट की जगह छोड़ी गई है, मतलब इस साइड से ये जो है शॉप जो है यूज होंगे, ठीक है। इस साइड में अगर आपके प्लॉट में रोड है तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं। इस साइड से 4 फीट की जगह छोड़ी गई है, इस टाइप में इस साइड से हम ये शॉप जो है यूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में, और इसमें अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में दो शॉप बताया गया है, जिसमें से 9.5 फीट बाय 18 फीट का एक शॉप है और ये 9.5 फीट बाय 18 फीट का है। और इस साइड में अगर 4 फीट की जगह छोड़ी गई है, इस साइड से हम जाएंगे तो पीछे एक बड़ा सा शॉप है 23.5 फीट बाय 10 फीट का। और इसमें अगर हम देखेंगे तो स्टेयरकेस बताया गया है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो स्टेयरकेस जो है फ्रंट साइड में बताया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। अब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम प्लान बनाएंगे तो इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप में हम 2 BHK प्लान बिठा सकते हैं। जैसे हम स्टेयरकेस से हमारी एंट्री यहाँ पर होती है इस पोर्च में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम हॉल रखेंगे 10.5 फीट बाय 15 फीट का। यहाँ पर बेडरूम है 9.5 फीट बाय 10.5 फीट का और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जिसमें से बाथरूम है 6.5 फीट बाय 4.3 इंच का और यहाँ पर जो टॉयलेट है 4.5 फीट बाय 3.9 इंच का। दोनों को डक्ट यहाँ पर दिया गया है वेंटिलेशन के हिसाब से। यहाँ पर हमारा किचन रहेगा 13.5 फीट बाय 9 फीट का और यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह मिलती है। और इसके बाद में यहाँ पर जो बेडरूम रहेगा 10.2 इंच बाय 11.7 इंच का और पीछे की साइड में यहाँ पर वाशी रहेगा और यहाँ पर OTS रहेगा वेंटिलेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं इस साइड में 3.9 इंच की जगह छोड़ी गई है। तो यहाँ जो लेफ्ट यहाँ पर जो कॉर्नर है ये पूरा पूरा जो हम पोर्च के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक 2 BHK प्लान बना सकते हैं। और सेकंड वाला जो ऑप्शन था हमारा यहाँ पर, जिसमें स्टेयरकेस बताए गए थे ऊपर बीच में, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 2 BHK प्लान अलग से बनता है। जैसे कि हम स्टेयरकेस से हमारी एंट्री यहाँ पर होती है तो यहाँ पर हमारा हॉल रहेगा 10.5 फीट बाय 14 फीट का। यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहेगा और यहाँ पर एक बेडरूम रहेगा, यहाँ से एंट्री होती है और इस बेडरूम को यहाँ पर जो है पोर्च मिलेगा, ये गैलरी मिलेगी। उसके बाद में इस साइड से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोर रहेगा, इस साइड से भी हम इस बालकनी पर, इस गैलरी पर हम पहुँच सकते हैं। यहाँ पर हमारा किचन रहेगा 11.9 फीट बाय 10 फीट का और यहाँ पर एक वर्टिकल विंडो रहेगा किचन के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर जो बेडरूम है 11.5 इंच बाय 10 फीट का मिलता है, किचन से एंट्री हो सकती है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं इस साइड से, लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग बनाया गया है, ये जो सीढ़ी बनाई गई इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है बेडरूम बताया है। यहाँ पर एक OTS रहेगा, यहाँ से इस टॉयलेट को और यहाँ पर बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप में ये दो प्लान बनाए थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। तो आशा करता हूँ ये प्लान जो है आपको समझ में आया और पसंद आया। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।